दोस्तों इन दिनों सोशल मीडिया पर साउथ इंडियन एक्टर्स की बेइज्जती की चर्चा बेहद गर्म है और लोगों का कहना है कि बॉलीवुड वाले जानबूझकर ऐसा करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसी बारे में। नंबर 7, चिरंजीवी फील्स इंसल्टेड एट अवार्ड सेरेमनी। ये बात साल 1979 की है जब चिरंजीवी एक अवार्ड सेरेमनी में दिल्ली गए हुए थे और उस सेरेमनी के दौरान उनकी मूवी रुद्रवीणा को नरगिस दत्त अवार्ड से भी नवाजा गया था। हालांकि इसके बावजूद भी इस अवार्ड सेरेमनी के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे चिरंजीवी को बहुत बुरा लगा। असल में बात कुछ ऐसी है कि उन्हें उस अवार्ड फंक्शन से पहले एक हाई टी पर इनवाइट किया गया था और उस दौरान जहां अवार्ड दिया जाना था वहां की दीवारों को सुंदर सुंदर कलाकारों के पोर्ट्रेट से सजाया गया था, लेकिन जब चिरंजीवी ने उन दीवारों को देखा तो उन्होंने पाया कि वहां पर तो ज्यादा से ज्यादा पोर्ट्रेट हिंदी सिनेमा के एक्ट्रेस के ही थे। और इसके अलावा उन्होंने उनके बारे में ब्रीफ नोट्स भी दिए जिसमें उन्होंने बताया कि इमेजेस में पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और भी कई एक्ट्रेस थे, पर वहीं साउथ फिल्म इंडस्ट्री के पोस्टर्स के नाम पर MGR और जयललिता की एक तस्वीर लगी हुई थी जिसे देख उनकी आंखें नम हो गई। नंबर 6, रामचरण इंसल्टेड बाय बॉलीवुड पठान SRK। इसके बाद बात करते हैं आनंद अंबानी के प्री वेडिंग सेरेमनी के बारे में जहां साउथ स्टार रामचरण को बेइज्जती का सामना करना पड़ा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के दौरान सभी बॉलीवुड स्टार्स बारी बारी से अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे तभी शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान भी मंच पर अपनी परफॉर्मेंस के लिए आए और इसी दौरान उन तीनों ने रामचरण और जूनियर NTR की मूवी RRR के ऑस्कर विनिंग सॉन्ग नाटू नाटू पर परफॉर्म किया। लेकिन जब उसके हुक स्टेप उनसे नहीं किए गए तो SRK ने रामचरण को स्टेज पर बुलाया, पर उन्होंने रामचरण को बुलाने के लिए इडली शब्द का प्रयोग किया जिसके बाद इसके ऊपर काफी बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ये न केवल रामचरण का अपमान था बल्कि पूरी साउथ इंडस्ट्री का अपमान था। रामचरण ने इतना सब होने के बाद भी कुछ नहीं कहा, लेकिन ये बात तो तब सामने निकल कर आई कि जब एक मेकअप आर्टिस्ट ज़ेबा हसन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका वीडियो डाला जिसमें आप साफ साफ सुन सकते हैं कि शाहरुख खान किस तरह रामचरण को इडली कह रहे हैं। हालांकि ज़ेबा हसन ने यह भी लिखा कि वे शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन है, लेकिन उन्हें इस बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शाहरुख खान रामचरण का मजाक उड़ाएंगे और उन्होंने इसी के साथ बताया कि इतना होने के बाद उन्होंने 10 मिनट के अंदर वो पार्टी छोड़ दी। नंबर 5, कमल हसन इंसल्टेड बाय KRK। KRK यानी कि कमल राशिद खान के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे क्योंकि ये समय समय पर विवादों में उलझे रहते हैं और अक्सर ही वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कुछ जाने माने सुपरस्टार्स को ट्रोल करते नजर आते हैं। वैसे मुझे ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आखिर वे ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये आप सब जानते हैं कि ये सारा खेल फेम का है और साल 2016 में ही इन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसने सबको चौंका कर रख दिया था। और ये सब शुरू होता है एक महान या कहें ग्रेट म्यूजिशियन महागुरु बाला मुरली कृष्ण के डेथ के साथ जो 81 साल की उम्र में स्वर्ग से धार गए थे और उसी के लिए कमल हासन ने ट्वीट किया था, पर KRK को तो स्पॉटलाइट में आना था और इसी कारण से KRK उनके बाला मुरली कृष्ण वाले ट्वीट पर ही चाय कम पानी ट्वीट करते हुए उन्हें ट्रोल कर दिया। उनके कहने का मतलब साफ था कि वे कमल हासन को उनके फॉलोअर्स के लिए ट्रोल कर रहे थे क्योंकि कमल हासन के सिर्फ 367,000 फॉलोअर्स ही थे जो कि KRK के कंपैरिजन में काफी कम थे। वैसे ऐसा पहली बार नहीं था बल्कि इससे पहले भी KRK रजनीकांत और उनके जैसे कई और बड़े लोगों को इसी तरह से ट्रोल कर चुके हैं। नंबर 4, रमेश अरविंद गॉट इंसल्टेड इन एन अवार्ड शो। दोस्तों आप सभी ने सुशांत सिंह राजपूत वाले केस के बारे में तो सुना ही होगा जिसका मेन कारण नेपोटिज्म था, पर यह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं है बल्कि साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज में भी ऐसा ही होता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण संतोषम साउथ इंडियन फिल्म अवार्ड्स 2023 है जहां पर कुछ साउथ सेलिब्रिटीज को बुरी तरह से जलील किया गया। यह अवार्ड फंक्शन गोवा में रखा गया था और वहां पर कई सारे सैंडलवुड सेलिब्रिटीज को भी बुलाया गया था। जहां एक तरफ पर मंच पर अवार्ड बांटे जा रहे थे वहीं दूसरी ओर जाने माने अभिनेता और डायरेक्टर रमेश अरविंद को जलील करने की साजिश भी चल रही थी। जब सब सेलेब्स एक एक करके अपना अवार्ड लेने जाते हैं तब तक तो सब ठीक होता है, लेकिन जैसे ही रमेश अरविंद स्टेज पर जाते हैं ठीक है वैसे ही वहां की लाइट्स बंद कर दी जाती हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसके बाद जब ये अवार्ड फंक्शन खत्म हो जाता है और सब सेलेब्स अपने अपने घर पहुंच जाते हैं उसके बाद यह खुलासा होता है कि अवार्ड के ऑर्गेनाइजर ने साउथ के कुछ सेलिब्रिटीज का होटल का बिल पे नहीं किया है और इस कारण से उन्हें काफी परेशानी और बेइज्जती का सामना भी करना पड़ा। और तो और कुछ लोगों ने इस अवार्ड सेरेमनी के समय फेमस मूवी कांतारा की हीरोइन सप्तमी गौड़ा का भी मजाक उड़ाया था। नंबर 3, नयनतारा इंसल्टेड अल्लू अर्जुन।
अल्लू अर्जुन, जी हाँ वही फेमस मूवी पुष्पा के लीड रोल में नजर आने वाले एक्टर जिनके कारण वो मूवी हिट हुई, और उनका कद कितना बड़ा है ये तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों को नीचा दिखाना ताकि वे खुद लोगों की नजर में ऊंचा दिख सके, और ऐसे ही कुछ नयनतारा ने भी किया था। ये बात साल 2016 में हुए सीमा अवार्ड्स की है, जहां अल्लू अर्जुन अवार्ड्स को बांट रहे थे, या कहें वे वहां के होस्ट थे। और उस अवार्ड सेरेमनी के दौरान नयनतारा को जब उनकी फिल्म नानुम राउडी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है, तब वे कुछ ऐसा करती हैं जिससे अल्लू अर्जुन को बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। जब नयनतारा अपने अवार्ड को लेने के लिए मंच पर जाती हैं, तब वे मंच तक तो चली जाती हैं, पर अवार्ड लेने से मना कर देती हैं। वे कहती हैं कि उन्हें अल्लू अर्जुन के हाथ से नहीं बल्कि उस अवार्ड सेरेमनी के डायरेक्टर विघ्नेश शिवन के हाथ से अवार्ड चाहिए, और तभी वो उस अवार्ड को लेंगी, नहीं तो उन्हें उस अवार्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना सुनने के बाद तो अल्लू अर्जुन के फैंस को भी गुस्सा आ जाता है, और नयनतारा को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जाता है। नंबर 2, हिना खान इंसल्ट्स होल साउथ हीरोइंस। दोस्तों, बिग बॉस का सीजन 11 अब तक का सबसे कंट्रोवर्शियल सीजन रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हिना खान, शिल्पा शिंदे, ढिंचक पूजा और अर्शी खान ने की थी। लेकिन इनमें से भी एक नाम टॉप पर था, और वो था हिना खान का, जिनका उनकी जुबान पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। सबसे पहले हिना खान ने ढिंचक पूजा के बारे में उल्टा सीधा बोला, और यहां तक कि ये बोल दिया कि ढिंचक पूजा का कंटेंट उनके बालों के बीच घूम रहे जूं की तरह है। लेकिन ये यही नहीं रुकी, और इन्होंने अपना रुख सीधा साउथ इंडस्ट्री की ओर कर दिया, और कहा कि उन्होंने दो साउथ इंडस्ट्री से आए ऑफर को ठुकराया है, जहां उन्हें महेश बाबू के साथ काम करने का मौका मिलने वाला था, पर उन ऑफर्स में उन्हें वेट गेन करने के लिए बोल रहे थे। इसके बाद हिना खान इसी बात से होकर सभी साउथ एक्ट्रेसेस को बल्जिंग एक्ट्रेसेस बोल देती हैं। जब ये बात सबके सामने निकल कर आई तो साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस ने इस बात को लेकर काफी बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, और जहां तक की श्रीदेवी श्रीधर और हंसिका मोटवानी भी हिना खान की अगेंस्ट थी, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर हिना खान का वो स्टेटमेंट कितना ज्यादा खराब था। नंबर 1, करण जौहर इंसल्टेड नयनतारा। इसके बाद आखिरी में बात करते हैं करण जौहर के एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट के बारे में। दरअसल करण जौहर ने रेडिट पर हाल ही में एक पुराना वीडियो अपने अकाउंट पर शेयर किया है, और ये वीडियो तब का है जब समांथा, रुथ प्रभु और अक्षय कुमार गेस्ट बनकर कॉफी विद करण में पहुंचे थे। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि करण ने जब समांथा से ये कहा कि वे बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ में काम करती हैं, तो उनमें इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है, जिसका जवाब देते हुए समांथा कहती हैं कि उन्होंने नयनतारा के साथ एक फिल्म की शूटिंग खत्म की है, जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। हालांकि उनकी इस बात को करण जौहर बीच में ही काट देते हैं और कहते हैं कि मेरी जो लिस्ट है उसके हिसाब से वो नहीं है। जिसके बाद तो करण जौहर का ये वीडियो देखने के बाद यूजर्स का गुस्सा उबल पड़ा, जहां कई यूजर्स का मानना है कि इस वीडियो में करण ऑर्मेक्स मीडिया की बात कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें ऐसे प्लेटफॉर्म पर साउथ एक्ट्रेस नयनतारा के बारे में ऐसी बात कहना शोभा नहीं देता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।